टच प्लेट के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो वाइब्रेशन या इम्पैक्ट या झटके को सहन कर रही है जब हम क्लच एंगेज या डिसएंगेज करते हैं उस दौरान। तो देखिए, ये हमारी क्लच प्लेट है। अब क्लच प्लेट में आपको मैंने यहाँ दो तस्वीरें दिखाई हैं, एक फ्रंट से और एक टॉप साइड से। तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जैसे लाइनिंग के द्वारा बनाया गया है, ये जो लाइनिंग आपको इसमें दिख रही है, ये लाइनिंग वाला पार्ट क्या है? ये लाइनिंग वाला पार्ट है आपका फ्रिक्शन लाइनिंग। फ्रिक्शन लाइनिंग है ये। अब ये फ्रिक्शन लाइनिंग दो टुकड़ों में बनी हुई है जो इस तस्वीर में आपको देखने को मिलेगी। ये दो तस्वीर दो टुकड़ों के अंदर बना हुआ है आपका फ्रिक्शन लाइनिंग, यानी एक सेपरेट गोलाकार डिस्क के जैसा एक तरफ और दूसरी तरफ एक लगा हुआ है। अब ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने हैं। तो कुशन स्प्रिंग जो आपको ये बीच में दिख रही है, कुशन स्प्रिंग, इसके ऊपर रिविटेड करके, जैसे रिविट हम लगा करके जोड़ते हैं, ऐसे ही लगा करके दोनों फ्रिक्शन या फाइबर लाइनिंग जिसे हम बोलते हैं उसको उसके ऊपर जोड़ दिया जाता है। और ये जो आप स्टार्स देख रहे हैं इसमें, ये वही है जो कि उसको रिविट्स बनाए हुए हैं, लगा रखे हैं, वो है ये। अब बात कर लेते हैं जब जर्क लगेगा। तो फ्रेंड, ये और ये जो बीच में आप पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हब है। ये है आपका, क्लच डैम्पर हब। अब ये डैम्पर हब क्या करता है कि जब जर्क लगेगा, अब ये फ्रिक्शन लाइनिंग वाला हिस्सा ही जा करके क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और आपका फ्लाई व्हील, तीनों चीजें मिलती हैं, तो जो जर्क पड़ेगा वो इस पूरी डिस्क पर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये जो चार स्प्रिंग आप देख रहे हैं जिसे टॉर्शन स्प्रिंग और डैम्पर स्प्रिंग बोला जाता है, ये स्प्रिंग क्या करेगी, उस झटके को कुछ हद तक ये जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी। और अब्जॉर्ब करने से हमारा ये जो प्रेशर प्लेट है ये डैमेज होने, क्रैक होने, टूटने से बच सकता है। तो इस प्रॉफिटेबल बेसिस के ऊपर हमने इस स्प्रिंग का अरेंजमेंट यहाँ किया है। ये हब जनरली जल्दी से खराब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल प्लेट क्लच में सबसे ज्यादा एडवांटेज इसी बात का था कि यहाँ पर इम्पैक्ट्स को, मैशिंग पॉइंट पे जो इम्पैक्ट या जो वाइब्रेशन लगेगी उसको सहन करने का मैकेनिज्म इसके अंदर हमने इनबिल्ट किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा कुशन स्प्रिंग। अब इसका कुशन स्प्रिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? कुशन स्प्रिंग क्या करती है? कुशन का मतलब हम सभी समझते हैं कि कोई चीज जिस पे हम बैठ गए वो हमें कुशनिंग इफर्ट दे रही है, ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, करेक्ट। अब उसी तरीके से जब ये दोनों हिस्से दब जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों हिस्सों को ऐसे दबा दिया जाए तो बीच में जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, वो फैलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो मुड़ी हुई है, उसकी ओरिजिनल पोजिशन ऐसे है इस शेप के अंदर। लेकिन जब वो दब जाएगा, हमारा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फ्रिक्शन लाइनिंग जब दब जाएगी एंगेज के दौरान, तो क्या होगा, ये रिवर्स एफर्ट पैदा करेगी स्प्रिंग और अच्छे तरीके से ग्रिप को बनवा करके रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो ये ग्रिप नहीं बनती, बनती, लेकिन वो बनती जो प्रेशर प्लेट के ऊपर जो स्प्रिंग लगी है, डायफ्राम स्प्रिंग जो लगा उसके प्रेशर पे बनती। लेकिन यहाँ पर कुशन स्प्रिंग भी एक एक्सटर्नल एफर्ट पैदा करेगा जो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमारे क्लच को एंगेज करने में मदद करता है। तो ये था हमारा क्लच। अब इसके बाद अब हम इंस्ट्रक्शंस के पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास जो क्लच सिस्टम है उसमें अगर मेरे को चेक करना है कि वेयर एंड टेयर हुआ है, घिसावट हुई है, उसकी जांच कैसे करनी है, तो आइए अब उस पर बात करें। क्लच इंस्पेक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लच लाइनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लच लाइनिंग की। क्लच लाइनिंग, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट में हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं? सबसे पहला हम चेक कर सकते हैं वेयर एंड टेयर। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तस्वीर को। यहाँ पर देखेंगे कि एक कर्व मैंने यहाँ पर बनाया है, एक्चुअली रिविट जो है ना यहीं तक है, यह आपकी कुशन स्प्रिंग हो गया। ये आपकी फ्रिक्शनल लाइनिंग हो गई, ये आपकी फ्रिक्शनल लाइनिंग हो गई। थोड़ा ध्यान से इसको समझते रहेंगे हम कि क्या चीज हुई। यहाँ पर रिविट बैठ गई, यहाँ पर भी रिविट बैठा दिया गया। अब घिसावट होने वाले किस चीज की है, उस घिसावट की जो है हम जांच करते हैं। तो एक आपने मेजरिंग टूल के बारे में सुना है जिसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं इस तरीके से। सिर्फ एक मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
यहाँ पर एक स्केल होता है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर एक डेप्थ गेज होता है। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हम टोटल चेक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसको यहाँ लास्ट मोमेंट तक लेकर के आएंगे। और अब हम पर्टिकुलर रीडिंग जो यहाँ पर आ रही है उसको हम चेक करेंगे कि इसकी घिसावट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। और ये जो हम वेयर एंड टेयर इसका चेक कर रहे हैं, वो वेयर एंड टेयर की जो लोकेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल ये आपका क्लच है, तो इसमें जो वेयर एंड टेयर की लोकेशन होगी 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा सुपीरियर और बेस्ट चेक करने के लिए हम 6 वाले पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक्यूरेसी के साथ पता चल जाता है कि क्लच प्लेट वेयर एंड टेयर हुई है या नहीं हुई, उसको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि क्लच प्लेट में और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग में। देखिए फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होती है, ओवरहीट होने की वजह से जल सकती है। जलने का मतलब क्या है, जैसे कागज जलने के बाद ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, वैसे ही जब इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट यानी जो लाइनिंग है जो वो जल जाती है, तो जलने के बाद वो भी अपने आप ही, एक तो उसकी दुर्गंध जिसे हम कहें वो, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, वो अपने आप में बता देते हैं कि वो जल चुका है। तो वो इंस्पेक्शन, विजुअली इंस्पेक्शन जो है वो करना होता है हमें। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इसके रनआउट की। रनआउट क्या चीज़ है, जैसे डिस्क, इसे क्लच डिस्क भी बोलते हैं, तो जो हमारी क्लच है कुछ ऐसी बनी हुई है, यहाँ पे हब अरेंजमेंट है, यहाँ पर हमारा हब अरेंजमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसकी अलाइनमेंट आउट हो। तो हम इसकी अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं, इस वाले हिस्से पर विद द हेल्प ऑफ डायल गेज। फ्रेंड अब ये डायल गेज आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर डायल गेज लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक। डायल गेज की हेल्प से इसको एक स्टैंड पर लगाने के बाद वी ब्लॉक पर हम इसको टिकाते हैं। हम इसको वी ब्लॉक पर टिकाते हैं और इसके बाद हम डिस्क को जो है वो रोटेट करेंगे, क्या करेंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड हम क्लच डिस्क को वी ब्लॉक पे रखते हैं, या एम ब्लॉक हम उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है वो इस तरीके का। इसमें विद द हेल्प ऑफ रॉड लगाने के बाद हम यहाँ पर क्लच को अरेंज करते हैं, देन यहाँ पर हम डायल गेज को लगा दें। अब हम इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं क्लच को, जब हम रोटेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा अलाइनमेंट आउट तो नहीं हुआ है। इसको चेक करने के लिए दो सर्फेसेस होती हैं, एक होती है आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग और दूसरी होती है हब अरेंजमेंट। यहाँ पर भी इसको चेक किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर आउट तो नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो हमें क्लच प्लेट बदलनी पड़ सकती है। किसी भी केस में अगर लाइनिंग वेयर एंड टियर हो गई है, घिसावट ज़्यादा हो गई है तो हमें बदलना पड़ेगा, अगर ओवरहीट होकर के जल गई है तो हमें बदलना पड़ेगा, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से रनआउट उसका ज़्यादा हो गया है तो हमें बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इसके अंदर डैम्पर क्लच में यहाँ पर जो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उस केस में भी हमें क्लच प्लेट की बदलने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जिसमें हमारी लाइनिंग, आपकी जो प्रेशर प्लेट है कुछ इस तरीके की होती है, इसके पीछे या तो डायफ्राम स्प्रिंग होगा, इसके पीछे या तो डायफ्राम स्प्रिंग है या फिर नॉर्मली कोई कॉयल स्प्रिंग है। कॉयल स्प्रिंग अब नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे डायफ्राम स्प्रिंग है। अब जनरली होता क्या है कि इन दोनों को इसके बीच में जोड़ा गया है रिविट्स के द्वारा, इसके ऊपर होता है एक कवर, इसके ऊपर होता है एक कवर, और हम क्या करते हैं इसको इसके साथ इनबिल्ट रखते हैं और इसका एक प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है प्रेशर प्लेट के ऊपर, तो अब इसमें घिसावट आने के चांस क्या। ये तो मैंने वन साइडेड व्यू बनाया है, सेकेंड साइडेड व्यू अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है, ये बैक साइड है इसकी, ऐसा दिखता है। तो अब इसके अंदर वेयर आउट होने वाली क्या चीज है, ये वाला हिस्सा फ्रेंड, ये वाला, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन सरफेस।
ये वाला हिस्सा है हमारा फ्रिक्शन सरफेस। अब ये फ्रिक्शन सरफेस क्योंकि हमें पता है कि बार बार एंगेज और डिसएंगेज करने का हम काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ये वाला हिस्सा क्या होता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर का मतलब इसके ऊपर पतली पतली ना धारियां बनी हुई होती हैं, स्टार्टिंग में पतली पतली धारियां या निशान बने होते हैं जो इसकी ग्रिपिंग को स्ट्रांग करते हैं। धीरे धीरे वो खत्म होती है सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा ऐसे केस हो जाएगा कि ये हिस्सा गर्म होकर के जल जाएगा। जलने का मतलब क्या है फ्रेंड, दोबारा मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर जलने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन सरफेस एरिया है, सेम वही चीज फ्रिक्शन सरफेस एरिया है, यहां पर ना स्पॉट पड़ जाएंगे, जैसे जैसे जलने के बाद घाव हो जाता है, वो तो फुला होता है लेकिन ये अंदर कर्विंग शेप में होगा, तो होगा क्या यहाँ पर ऐसे गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे। चाहे आप जितना ही इसको रेक माल जिसे हम बोलते हैं या एंटी पेपर उससे आप कितना ही इसको रगड़ लें, ये जाएगा नहीं। ये हिस्सा अब गर्म होने की वजह से निशान बन गया है इस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर हीट पोजिशन, वेयर एंड टेयर एंड ओवर हीट पोजिशन। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए ये थोड़ा सा गड्ढे में है, अगर मैं इस वाले सरफेस को थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये तस्वीर अब कुछ ऐसे हो गई है। ये वाला हिस्सा लाइन ऐसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन हल्की सी कर हो गई, क्या ये गड्ढा हो गया इसमें, तो यानी अभी ये वाला हिस्सा जो है संपर्क में नहीं आएगा, तो यानी फ्रिक्शन सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो चुका है। तो इस केस में हमें प्रेशर प्लेट को रिप्लेस करना पड़ सकता है। अब इसमें हमें पता है कि ये वाला हिस्सा जो है वो फ्रिक्शन सरफेस एरिया के अंदर आ रहा है, अटैच हो रहा है, तो इस पे बार बार रगड़ पड़ रही है, और ये आयरन का बना हुआ है। अब आयरन का बना हुआ है, वेयर एंड टेयर हो रहा है वहां पर थोड़ी बहुत, तो नेचुरल सी बात है कि वाटर मिलने पर या मॉइस्चर मिलने पर या लॉन्ग टाइम गाड़ी खड़ी रखने पर ये वाला हिस्सा सबसे बड़े चांस है। कार्बन तो इसके अंदर ऑलरेडी रहते हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके जंग पकड़ने के, यानी कोरीजन लगने का सबसे मस्ट चांसेस यहाँ पर होता है। डायफ्राम स्प्रिंग की, कि डायफ्राम स्प्रिंग को कैसे चेक किया जाएगा, अब हम बात करेंगे कि डायफ्राम स्प्रिंग को कैसे चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायफ्राम स्प्रिंग होता क्या है, हालांकि आप तस्वीरों में उसको अच्छे से देख ही पा रहे होंगे। अब डायफ्राम स्प्रिंग जो कि इस तरीके की बनी हुई आपको नजर आ रही है, कुछ ऐसे अगर मैं दूसरे पोर्शन में बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से वो बना हुआ है, फ्रंट से बनाऊँ तो कुछ ऐसे पॉइंट आपको नजर आएगा उसमें कुछ इस तरीके से, तो जैसा होता है। तो मैं उसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कोरिजन लगने की, जंग लगने के क्या चांसेस हैं। देखिए क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आता क्या है, इस वाले पॉइंट पर क्या लगता है हमारा बैरिंग इसको दबाता है, जब इसको दबाता है तो डायफ्राम तराजू के जैसा काम करेगा। जैसे ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे अगर मैं इस वाले पॉइंट को दबाऊंगा तो ये वाला पॉइंट पीछे जा सकता है, सिमिलर वही चीज, तो अभी पीछे जा सकता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि इस वाले हिस्से पर ये वाला जो पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, ये भी तो रगड़ खा रहा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर भी घिसावट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और ऐसा होने पर क्लच के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके की पोजिशन पर काम करता है ऐसे तराजू की तरीके से, अब जब इस तरीके से ये काम कर रहा है तो ये वाला हिस्सा फ्रेंड ये भी थोड़ा सा कोरिजन पकड़ सकता है। हालांकि इसको स्टील का बनाया जाता है, इस पर ग्रेफाइट का हल्का सा कोटिंग भी रहता है ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट फिंगर वेयर आउट होने की। देखिए अब ये जो बहुत सारे फिंगर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो आपको फिंगर्स दिख रहे हैं, ये वाले फिंगर्स दिख रहे हैं। अब ये फिंगर्स में क्या है, अब ये जो फिंगर्स होते हैं ना, मैं एक ब्लेड को यहाँ पर सेपरेट जूम कर रहा हूँ, ये वही फिंगर्स हैं ये समझिएगा, और इस पर ये बैरिंग आकर के लग रहा है। जब बैरिंग आकर के लगेगा तो इसकी एक मोटाई है पर्टिकुलर, इसकी एक पर्टिकुलर मोटाई है, और ये क्या होता है घिसना शुरू कर सकता है। अभी अगर घिसना शुरू कर देगा तो ये ब्लेड क्या होगा, कमजोर पड़ जाएंगे, ये इसके जो फिंगर्स हैं यानी जो ब्लेड्स हैं वो क्या होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ जाएंगे तो हम जितने एफर्ट तरीके से क्लच को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये ब्लेड्स क्रैक होने लगेंगे और टूटना स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर सही समय रहते ही अगर किसी प्रकार का भी आवाज आता है तो इसे चेंज करवा देना चाहिए। तो ये जो घिसावट यहाँ पर हो सकती है बैरिंग के टकराने की वजह से, बैरिंग के लगने की वजह से, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे बैरिंग, अब जो रिलीज बैरिंग लगा है, थ्रस्ट बैरिंग भी इसको बोलते हैं कुछ लोग,
पायलट बैरिंग भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर नहीं आएंगे। पहले बात करेंगे बैरिंग की। बैरिंग के अंदर चेकिंग करने वाले पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला है कोरिजन। ऐसा तो नहीं है कि बैरिंग को ऑपरेट होने में ज़्यादा एफर्ट लग रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है। कोरिजन एंड नॉइस, या तो जंग तो नहीं लग रहा उसमें बहुत ही ज़्यादा, या फिर नॉइस तो नहीं कर रहा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैशिंग पॉइंट फिंगर, अब जो बैरिंग होता है आप तस्वीरों में जैसा देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारा बना हुआ होता है। आर पार बेसिकली हॉल है, ये मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, आर पार इसके अंदर हॉल है। अब ये वाला जो हिस्सा है, आगे की जो टिप है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अब आगे वाली जो टिप होती है वो क्या है, वहाँ पर बॉल बैरिंग लगा हुआ है कुछ ऐसी पोजीशन। यहाँ पर बेसिकली क्या लगा हुआ है, बॉल बैरिंग लगा हुआ है। तो हो सकता है कि बॉल बैरिंग खराब हो जाए, या हो सकता है ये वाली सरफेस जो है वो खराब हो जाए। खराब होगी तो कैसे दिखेगी, ये मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। अगर इस वाली सरफेस की मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये तो आपका बैरिंग का बॉल हो गया। अब जब यहाँ से बार बार टकराएगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा घिस जाएगा। एक जेन्युइन लाइन ये है और घिसने के बाद इसकी लाइन ये। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा कि बैरिंग जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ओवरहीट हो जाए। कई बार इस बैरिंग के टूटने की भी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है कि क्लच ऑपरेट काम नहीं कर रहा या आवाज़ कर रहा है। दोस्त जब से जैसे ही आपका क्लच ऑपरेटिंग टाइम पर नॉइज़ करना स्टार्ट कर दे या एंगेज पोजिशन में नॉइज़ करना स्टार्ट कर दे, तुरंत आपको क्लच की जाँच वर्कशॉप में ले जा करके करवानी। अब हम समझेंगे इंस्पेक्शन ऑफ क्लच पैडल। क्लच पैडल हालांकि हमें लगता है कि नॉर्मली क्लच पैडल है, लेकिन उसमें भी इंस्पेक्शन के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसके जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने क्लच पैडल लिया है वो मैकेनिकल ब्रेक से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर कोई हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर का उपयोग नहीं किया गया। बट ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी में सेम रहती हैं, चाहे आप यहाँ पर मास्टर सिलेंडर लगाएं चाहे आप ना लगाएं। चलिए तो हैव अ लुक। ये आपका हो गया वायर, जिससे आप वायर को खींचेंगे तो आपका फॉर्क ऑपरेट होगा। अब ये है हमारा पैडल, ये जो आप डार्क वाली लाइन ये वाली देख रहे हैं, ये जो आपका डार्क, मैं इसको कर रहा हूं, ये जो डार्क लाइन है ये आपका स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा पैडल है। और पैडल अब मैं इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर पैडल को प्रेस करने के लिए हम जो क्लच सिस्टम बनाना चाहते थे, जैसा हमने क्वालिटी में पढ़ा था कि वो कम से कम एफर्ट एंड पावर पे ही ऑपरेट हो जाना चाहिए, तो 250 से 300 न्यूटन का जो फोर्स है उस पर वो एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। फ्रेंड ये जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी डेटा काल्पनिक है। यानी जैसे हम बोलते हैं एज्यूम करने वाला डेटा है, ये डेटा किसी भी गाड़ी के लिए नहीं है, किसी भी स्पेसिफिकेशन से नहीं जुड़ा हुआ, ये सिर्फ एक वर्बली जुड़ा हुआ है कि हाँ इतना होना चाहिए या इतनी प्ले रखनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी गाड़ी छोटी है, हमारी गाड़ी बड़ी है और एक्सयूवी है, मिनी है, माइक्रो है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियंट, तो इन सभी के डेटा वेरी करेंगे और अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी एंड कंपनी फंडामेंटल्स ये सभी डेटा वेरी करते हैं। बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, तभी हम इन चीज़ों को स्पेसिफाई करके सीख सकते हैं। चलिए तो इतना टॉर्क काफ़ी होगा हमें ऑपरेट करने के लिए कि इतने में हमारा पैडल ऑपरेट होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पैडल ऑपरेट करने के दौरान जब आप पैडल को हल्का सा दबाएंगे तो विदाउट ऑपरेटिंग क्लच आपका पैडल ऑपरेट होगा, कि जिसे हम बोलते हैं फ्री प्ले। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फ्री प्ले को रखा हुआ है। तो अब ये जो फ्री प्ले है वो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो वो होनी चाहिए आपकी 2 से 5 mm के आर। अब पेडल के बाद अब आप क्या करेंगे कि पेडल के बाद अब आप इसको ऑपरेट करेंगे, यानी इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक, जब आप यहां से लेके यहां तक इसको ऑपरेट करेंगे तो लास्ट मोमेंट है, यानी अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑपरेट कर रहे हैं, यानी आप ब्रेक लगा रहे हो, तो लगाने के दौरान मैक्सिमम कितना ट्रैवलिंग स्ट्रोक होना चाहिए पैडल के द्वारा। कई बार यहाँ पर
क्लच पैडल स्ट्रोक्स लिखा हुआ मिल जाता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड यूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक फ्री प्ले को छोड़ने के बाद यहां से लेके यहां तक टोटल कितना इस्तेमाल होना चाहिए, 100 से 130 mm ये पैडल, पैडल केवल इतना ऑपरेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हम और ब्रेक इससे भी कम में लग जाती है, लेकिन अगर कोई एरर आता है तब भी लास्ट मोमेंट तक हम इस पैडल को दबाते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा फाइनली मोमेंट। अब ये पोर्शन बचेगा, मैं शेड कर रहा हूं थोड़ा, इसको समझेंगे। यहां पर एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन किया गया है, कितना मेंटेन किया गया है यहां से लेके यहां तक, और ये गैप है क्या चीज, यहां तक ऑपरेटिंग हमें समझ में आया इस वाले पॉइंट से यहां तक। अब फाइनली इस वाले पॉइंट से लेके यहां पर ये क्या है, आपका फ्लोर है। फ्लोर कहने का मतलब जैसे आप फुट मैट बीच में बिछा देते हैं, या फिर वो लेयर जो आप डायरेक्ट बॉडी से कॉन्टेक्ट में आने वाली है तो उससे ये नहीं टकराना चाहिए, उसके और इसके बीच में गैपिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो गैपिंग होनी चाहिए आपकी 20 से 30 mm की। तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डिटेल आपको ये बताती है कि कहाँ पर फ्री प्ले कितनी रखनी है, पैडल कितना चलता है हमारा टोटली, एंड जो क्लियरनेस ऑफ गैप्स हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रखे गए हैं, वो सारी जानकारी आपको इस तस्वीर में एक साथ मिल जाएगी। और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, देखिए अगर पैडल के अंदर प्ले बहुत ही कम हो गई तो भी क्लच इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा अगर कम हो गई तो आप क्लच दबाएं चाहे ना दबाएं, आपका जो रिलीज बैरिंग होगा वो डायफ्राम स्प्रिंग पे चिपका हुआ होगा और वो बिना मतलब घूम रहा होगा। और ऐसे केस में अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो वो बैरिंग 7000-8000 आरपीएम पे कंटिन्यू घुमाने के लिए नहीं बनाया गया है, तो जैसे ही वो ज्यादा गर्म होगा तो वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, उसका लुब्रिकेंट निकल सकता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन वर्क है कि आप कुछ सेकंड के लिए गियर को चेंज करने के लिए क्लच को दबाइए, ना कि हम परमानेंटली दबा के रखें और एक्सेलरेटर देते रहे तो बैरिंग डैमेज हो सकता है, इसलिए प्ले का बहुत कम होना भी बेकार है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अगर ये गैप्स यानी ये जो फ्री प्ले की हम बात कर रहे हैं, ये फ्री प्ले बहुत ऑर्डिनरी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि पैडल की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, यहां पर आपका ए बी और सी, ए से एक्सेलेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच, क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों की हाइट एक बराबर ही होती है, जब भी आप किसी भी नई गाड़ी में देखेंगे दोनों की हाइट सिमिलर होती है, लेकिन जैसे जैसे ये प्ले बढ़ने लगेगी, और प्ले कब बढ़ेगी, जब यहाँ पर वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, या वायर में वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, तो फ्रेंड अगर वेयर एंड टेयर बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्री प्ले बढ़ जाएगी, और फ्री प्ले बढ़ेगी तो इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आप क्लच तो 100% ऑपरेट करने के लिए प्रेस करेंगे लेकिन वो 100% ऑपरेट नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो यानी क्लच पैडल पूरी तरीके से नहीं दबा, तो हमारा क्लच क्या होगा, प्रेशर प्लेट सही प्रकार से ना एंगेज हुई होगी ना डिसएंगेज हुई होगी, दोनों क्या करेंगे दूसरे के अंदर स्लिप कर रहे होंगे, इससे क्या होगा हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग के जलने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसके घिसने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि यदि प्रेशर प्लेट को मुझे टाइट करना है, उस पर कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं, इन बोल्ट्स को मुझे टाइट करना है, यहाँ पर मैंने बोल्ट के दो साइजेस लिए हैं 10 mm और 12 mm इसमें आता है, इसके अलावा कुछ 10 mm और 12 mm के अलावा दूसरे टाइप्स ऑफ हेड बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट ज़्यादातर जनरली आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सभी डेटा जो है बिल्कुल लगभग काल्पनिक है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि 10 mm का यदि आपका बोल्ट है तो 2 kg फुट मीटर का आप उस पर टॉर्क लगा सकते हैं, मैक्सिमम है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इतना आप उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर न्यूटन मीटर की बात करें तो 10 से 15 न्यूटन मीटर के बीच में आप उस पर टॉर्क लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर 12 mm का बोल्ट है तो 4 kg फुट मीटर के अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कीजिए, या फिर न्यूटन मीटर में 15 से 25 न्यूटन मीटर पर अप्लाई कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टाइटनिंग। अब आपके सामने यहाँ पर 6 bolts हैं, इसके चारों तरफ लगे हुए, अब मुझे इसको टाइट करना है तो मैं कैसे टाइट करूँ, तो देखिए टाइट करने का भी एक पैटर्न है, इसको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जब आप पूरे क्लच सेट को मिलाएंगे तो आपके जो क्लच प्लेट होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए क्या होता है कुछ SST टूल्स आते हैं जो इसके बीचों बीच में लगा करके उसको सेंट्रलाइज किया जाता है, फिर हम नट बोल्ट्स को टाइट करते हैं। चलिए तो हम टाइट करने के दौरान 1 2 3
चार पांच छह, यानी स्टार डायरेक्शन या डेल्टा डायरेक्शन इसको दी गई है। अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, और अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, डेल्टा डायरेक्शन दी गई है टाइट करने के लिए। ऐसा इसलिए करा गया है ताकि जो कुशनिंग स्प्रिंग है, कुशन स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं, वो कुशन स्प्रिंग डैमेज ना हो या तिरछी ना लगे, या उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो प्रॉपर ही उसके ऊपर पड़ता हुआ चले, तभी प्रेशर प्लेट सही से लगी है। क्योंकि पतले हमने उसको टेढ़ा टाइट कर दिया तो रिविट्स वगैरह, ज्वाइंट्स वगैरह वो कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि उस समय हमें रियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन जब आप बोल्ट टाइट करेंगे तो उसके बाद असेंबली तो आप बाद में लगाओगे ना, तो उस समय ये डैमेज हो सकता है। तो टाइट करने का जो हमारा तरीका है वो ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और ध्यान दिला दूँ कि इस वाले पॉइंट पर SST या मैं इसको SST शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कोई टूल है जो स्पेशली बनाया गया है इसको सेंट्रलाइज करने के लिए। हालांकि कई लोग उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम से जानते हैं, कि जैसे जुगाड़ शब्द यूज किया जाता है कि इसके अंदर एक कोई भी सॉकेट लगा दीजिए, कोई भी दूसरी चीज लगा दीजिए। तो पर्टिकुलरली नेम अगर वो केवल एक ही वर्क को करवाने के लिए रखा गया है तो उसे हम SST के क्राइटेरिया में डालते हैं, यानी वो सर्विस के दौरान एक स्पेशल हमारा यंत्र है, एक टूल है। जैसे इंजेक्टर मशीन्स होती हैं, जैसे हमारे कैलिब्रेशन मशीन होती है, अलाइनमेंट मशीन्स होती है, ये सभी क्या है, SST टूल। तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो एसिस्ट है हमारे पास, जैसे हाइड्रोलिक एसिस्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उस एसिस्ट सिस्टम में हम एक क्लच मास्टर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रिलीज सिलेंडर बोलते हैं, या फिर बैरिंग के ऊपर डायरेक्टली वो सिलेंडर लगा हुआ आता है जैसा कि आपने पढ़ा। अब जब हाइड्रोलिक की हम बात कर रहे हैं, यानी वहां पर ब्रेक ऑयल है, और ब्रेक ऑयल है तो वहां ब्लीडिंग भी जरूरी होगी, जैसे ब्रेक के अंदर हम करते हैं, वैसे ही ब्रेक लाइन के अंदर ब्लीडिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका पेडल, देन सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आपका एक स्लिप सिलेंडर, या फिर जिसे आप बोलते हैं रिलीज सिलेंडर, कुछ लोग इसे ग्रूविंग सिलेंडर बोलते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये फोर्क को ऑपरेट कर रहा था, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या चीज होगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एरिया के अंदर ना बॉस के लिक्विड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि लिक्विड के बदले हवा चली गई। क्यों, हवा जाने से क्या प्रॉब्लम होगा, लिक्विड पर पास्कल लॉ इस्तेमाल होता है, एयर पे नहीं। अगर मान लीजिए इसमें एयर के बबल्स हैं, तो जब आप यहां से पैडल प्रेस करोगे तो ये जो एयर के बबल्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो जो यहां पे आपने एफर्ट लगाया, जो मैकेनिकल एनर्जी आपने लगाई है, वो यहां पर प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइन में क्या है, हवा है। तो जब प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर जो दूसरा पिस्टन है वो आगे की तरफ ऑपरेट नहीं होगा। अगर ऑपरेट नहीं होगा तो आपका ये फोर्क भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। यानी मान लीजिए आपने मैकेनिकल ताकत लगाई यहाँ पर 100%, लेकिन एनी काइंड ऑफ एयर जो कि इस लाइन के अंदर अवेलेबल है, इस वाली लाइन के अंदर अवेलेबल है, इसने क्या किया, आपका 30% एफर्ट को खराब कर दिया, यानी ये एयर जो है वो खुद दब गई अपने आप में, लेकिन आगे लिक्विड को प्रेशराइज नहीं किया। तो यहां पर इसने 30% आपका एफर्ट जो है कम कर दिया। तो जो एफर्ट आगे पहुंचेगा फॉर्क तक, तो वो कितना पहुंचा, केवल 70%। तो यहां पर अगर 70% पहुंचा है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, खराब हो सकता है हमारा क्लच। क्यों, क्योंकि क्लच पेडल ऑपरेट करने का मतलब है धीरे धीरे एंगेज करें और सडनली डिसएंगेज कर सके। तो अगर ऐसा हुआ तो 70% ही केवल ताकत लगी है, यानी आपने 30% ही का जो यहाँ पर लॉस कर दिया है उसकी वजह से आप क्लच को सही तरीके से डिसएंगेज नहीं कर पाए। अब डिसएंगेज अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो वहां पर आवाज आ सकती है, बहुत ज्यादा साउंड आ सकता है कि आपने गियर सही तरीके से शिफ्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए आपका ब्लीडिंग लिखा है, मैं यहाँ एयर ब्लीडिंग वर्ड यूज करूंगा कि बॉस एयर ब्लीडिंग हाइड्रोलिक असिस्ट में। फ्रेंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, क्लच पोजीशन। तो ये हालांकि पहले क्लच पोजीशन जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी इंजन में, लेकिन अब हम चाहते हैं इको रेसी के साथ बहुत अच्छे फ्यूल इकोनॉमी के साथ गाड़ी को चलाना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने क्लच पैडल के पास कुछ स्विचेस लगाए थे। क्यों लगाए थे वो स्विच, उसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया था, क्लच पेडल के पास ना एक स्विच लगा दिया था यहां पर,
और स्विच लगाने के बाद ये वायर हमने जोड़ दी थी मोटर के साथ, यानी स्टार्टर मोटर, या जिसे हम सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं, हमने उसको जोड़ दिया था सेल्फ स्टार्टर के साथ। यानी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लच पेडल दबाना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। जब आप क्लच पेडल दबाएंगे तो ये सर्किट को आगे पूरा करेगा स्विच, और तब जाकर के ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत बेटर था, क्योंकि अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और गाड़ी गियर में और आपने सडनली इग्निशन ऑन करके सेल्फ मार दिया तो गाड़ी स्टार्ट होकर आगे चली जाएगी, लेकिन अगर आपने क्लच दबा रखा है तो गाड़ी उसी पोजीशन पे रहेगी और आपकी गाड़ी सही से स्टार्ट हो पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था अगर सुरक्षा के नजरिए से हम देखें। लेकिन उसके बाद धीरे 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 ट्रेंड चेंज हुआ और रिक्वायरमेंट हुई कि क्यों ना हमें ये पता चल सके कि क्लच कितना ऑपरेट किया गया। देखिए, क्लच ऑपरेट करने से क्या फायदा होगा, जब आप क्लच ऑपरेट करेंगे तो इंजन के ऊपर जो गियरबॉक्स का लोड पड़ रहा है, गियरबॉक्स की शाफ्ट का जो लोड पड़ रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो वजन हटा है या नहीं हटा। अब देखिए, जैसे मैं इस पेन को घुमा रहा हूं, ठीक है, इसको घुमाने में मुझे कम ताकत लग रही है, लेकिन अगर इसके साथ जैसे कोई और भी पेन एडिशनली मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं, तब मेरी ताकत ज्यादा लगेगी, और अगर मैं डिसएंगेज कर दूं, इसको हटा दूं, तो अब मुझे कम ताकत लगानी पड़ रही है। तो स्टार्टिंग के दौरान इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं उस दौरान भी हमें ये जानकारी की जरूरत होती है कि क्लच हमने कितना दबाया है, और अगर कस्टमर क्लच दबा रहा है तो क्लच एंगेज पोजीशन में है या डिसएंगेज पोजीशन में है, इससे हम अपनी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो दो स्विचेज मैंने बताए, पहले तो नॉर्मली एक आ ही जाता सेफ्टी के तौर पर, एक स्विच को और अरेंज कर दिया, इससे क्या हुआ, ये वाला स्विच जैसे ए और ये पी, ये स्विच ECM को क्या बताएगा कि भाई क्लच पेडल दबाया नहीं गया, यानी क्लच क्या है, एंगेज पोजीशन में है। और अगर यही यहां पर आ जाता है और इसको बताता है तो इसको क्या पता चल जाएगा कि क्लच जो है वो पूरी तरीके से दबाया जा चुका है। ये क्या बताएगा, अपवर्ड है, ये क्या बताएगा, डाउनवर्ड है, दबा हुआ है पेडल। और अगर दोनों ही ऐसी रीडिंग दे रहे हैं जिसमें दोनों को ही कुछ नहीं पता चला, यानी दोनों कोई रीडिंग ही नहीं पता, क्योंकि स्विच या तो ऑन हो सकता है या ऑफ, मान लेते हैं कि ये स्विच ऑन हुआ पड़ा है लेकिन ऑफ नहीं हुआ, और ये ऑन हुआ है पर ये ऑफ नहीं हुआ, दोनों में एक कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है कि जैसे पेडल को मैंने दबाया तो ये क्या है, ऑन होना चाहिए, और जब हम पेडल को दबाएं तो ये ऑफ हो जाना चाहिए, ये ऑन हो जाना चाहिए क्योंकि पेडल दब चुका है। लेकिन अगर ना तो इसको सिग्नल मिले ना इसको, ना ये ऑन हो ना ये ऑफ हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारा क्लच जो है वो मिड में, यानी अगर ए पर है तो 0% ऑपरेट हुआ है, अगर बी पर है तो 100% हुआ है, और अगर मिड में है, इन दोनों के मिड में है और कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो हम ये मान लेंगे कि वो वो 40% से लेकर के लगभग 70% तक ऑपरेट होगा या ऑपरेट है उस समय। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि अगर ये स्विचेस खराब हो जाए तो ECM को गलत सिग्नल जा सकता है, तो लेकिन इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कोड्स होते हैं जो टाइम टाइम इरेज हो जाते हैं, फाइनली इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट अगर मैं बात करूं इसके एक्यूरेसी लेवल की, तो उतनी सुपीरियर नहीं है कि मेरे को हर पल पता चलता रहे कि कितना पोजीशन हुआ है, पेडल दबाया गया है। तो इसीलिए अब आया पोजीशन सेंसर क्लच में, क्लच पेडल के ज्वाइंट पर हमने एक सेंसर लगा दिया, और जब सेंसर लगा दिया तो वो किस टाइप का है उसके बारे में भी हम कुछ आने वाले समय पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि पेडल की पोजीशन को वो सेंस करेगा कि वो पेडल जो है वो किस पोजीशन पर है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि भाई ये पेडल किस पोजीशन पे है, तो किस एयर फ्यूल मिश्रण को बनवाना ज्यादा सुपीरियर और बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ऐसे टॉपिक्स अगर आप पूरे नहीं देखेंगे तो उसमें आपका ज्ञान रह जाएगा। पूरा वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर